समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान, समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले है इसी में शांत। दूरियां दरारें मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, विजयदशमी, दशहरा की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, पूरे देश में बहुत सुंदर माहौल है, चारों तरफ आप देख रहे होंगे खुशी ही खुशी व्याप्त होगी, क्योंकि बड़े बड़े रावण के, मेघनाथ के और साथ ही कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले बनाए गए हैं जिनका दहन होगा, जो कि प्रतीक है बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत का। श्री रामचंद्र जी ने आज के ही दिन रावण का वध किया था और साथ ही इसी खुशी में ये दशहरा का पर्व मनाया जाता है। शक्तियों ने भी असुरों का संहार किया था, इसीलिए भी ये पर्व मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, जो कि हमारे अंदर एक विश्वास जगाता है कि बुराइयां चाहे कितनी भी हों हमारे आसपास, लेकिन अच्छाई की एक ना एक दिन जीत अवश्य होगी। क्योंकि कई बार मन में ये विचार आता है कि पता नहीं कब ये बुराइयां समाप्त होंगी, कब समाज का, कब देश का उद्धार होगा। ये पर्व जो दशहरा है वो हमारे अंदर एक विश्वास का चिराग जलाता है कि चाहे बुराइयां कितनी भी बड़ी हों, रावण कितना भी बड़ा था, लेकिन जीत अच्छाई की ही हुई। तो आप सबको एक बार पुनः दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक्स। और आपको भी दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपको भी और सारे हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भ्राता जी, प्रति वर्ष हम दशहरे का पर्व मनाते हैं, इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, दिल्ली हो या कन्याकुमारी हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, हर जगह ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं और रावण को हम जलाते हैं। तो ये पर्व, जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था भ्राता जी, की बुराइयों पर एक अच्छाई की जीत का प्रतीक है, लेकिन आज के दौर में यदि देखते हैं तो अच्छाई की हार होती हुई दिखाई देती है और बुराइयों की जीत होती हुई दिखाई देती है। लेकिन अंततः सत्य में बहुत शक्ति होती है और बुराइयों की हार तो होगी ही। लोग भी क्या कर रहे हैं, रावण को हर वर्ष बढ़ाते जा रहे हैं जी। तो ये रावण भी तो बढ़ रहा है ना, इसलिए पावरफुल होता जा रहा है। और नो डाउट के जो नैतिक मूल्य हैं, जो ईमानदारी, सत्यता, प्रेम, पवित्रता है, वो घटते जा रहे हैं, इसलिए निर्बल हो रहे हैं, तो उनकी हार होती है। परंतु विजय तो सत्यता की होती है जी, जी, जी। पावरफुल भी सत्यता है, लेकिन कभी कभी वो छुप जाती है। सत्यता को विवश तो किया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। तो सत्य के बल पर अब हम इस रावण को फाइनली मारेंगे, क्योंकि घर घर में आ गया है। जी जी जी। तो भ्राता जी, ये विशेष जो पर्व हम मनाते हैं, कई बार यदि हम इसकी जो रामायण की पूरी कथा है और इसके जो पात्र हैं, इनके बारे में जब विचार करते हैं तो लगता है कि शायद कुछ आध्यात्मिक भाव जरूर होगा। और हर बार मेरा प्रश्न आपसे यही रहता है कि जो भी त्यौहार हम मनाते हैं, जरूर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भावों को लिया हुआ होगा। क्योंकि मन में बचपन से आता था कि 10 शीश रावण का होना, ये कई बार तर्कसम्मत नहीं लगता था, या चिकित्सा विज्ञान भी इस बात को शायद स्वीकार ना करे, या और कई प्रसंग हैं, 10,000 वर्ष तक रावण ने तपस्या की, या 11,000 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों के साथ पूरे राज्यपाट को किया, या सीता जी धरती से निकली। तो ये थोड़े से आख्यान कुछ आध्यात्मिक भाव को लिए हुए होंगे ऐसा लगता है।
क्या है रामायण का आध्यात्मिक भाव? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्षों की बात है जी, भिन्न भिन्न जगह ये दिखाते हैं। दशरथ ने भी 60,000 वर्ष तक राज किया। दशरथ का बहुत परेशान हो जाना और केकई का 14 वर्ष का वनवास मांगना, ये सभी बातें युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है वर्ष शब्द का अर्थ उस समय जिन आचार्यों ने चीजें लिखी हैं कुछ और रहा होगा। यूं तो दिखाते हैं वाल्मीकि जैसे महर्षि जो तत्वज्ञानी और तिरकालदर्शी थे उन्होंने लिखी, लेकिन वर्ष का अर्थ कुछ और रहा होगा, इसलिए इनको मिथ कह देते हैं लोग, ये कल्पनाएं हैं, ऐसा तो संभव नहीं होता जी। बाकी रावण के बारे में दिखाया गया, पहले मैं थोड़ा सा ये जरूर कहूंगा कि रावण की एक बुराई के कारण लोग उसकी सारी अच्छाइयों को भुला बैठे। कितना अच्छा था वो, सबसे बड़ा शिव का भक्त, बहुत बड़ा तपस्वी, और उसकी अच्छाई इस बात से सिद्ध होती है कि सीता का हरण करने के बाद उसने उसको हाथ नहीं लगाया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात। और ये भी कहते हैं प्रताप जी कि ब्रह्मास्त्र रावण के पास भी था लेकिन उन्होंने राम पे वो नहीं चलाया। तो देखिए बहुत मर्यादित वो भी था। अगर राम बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम है तो रावण भी कम मर्यादित नहीं। ठीक है उसने सीता का हरण किया, उसके पीछे कहानी है, बेसुपन खां का नाक कट गई उससे, ये सब जो कहानियां हैं वो एक कारण बना, लेकिन उसमें अच्छाई तो बहुत थी। तो हम खैर इस बात को आगे नहीं ले जाएंगे। ये बात भी इस चीज का प्रतीक है कि आजकल के पंडित विद्वान कितने बड़े भक्त हों, चारों वेदों के ज्ञाता हों, लेकिन अगर उनमें बुराई है, अगर वो मनोविकारों के वश हैं, तो वो जैसे रावण के समान ही बन जाते हैं, उनका फिर वध ही हो जाता है, वो दिव्य पुरुष नहीं बन पाते हैं। और राम यहाँ प्रतीक है निराकार परमात्मा का, वही कल्प के अंत में इस धरा पर आते हैं और रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण के जो 10 शिष्यों का वर्णन है, वास्तव में है तो ऐसा कि उसने शिव पे 10 शीश चढ़ा दिए थे, तो उसको 10 बार शीश चढ़ा दिए थे, तो उसे 10 बार शीश मिलने का वरदान मिल गया था, इसलिए अगर उसका एक शीश कटेगा तो दूसरा पैदा हो जाएगा। लेकिन ये जो रावण को 10 शीश एक साथ दिखाते हैं, ये प्रतीक हैं 10 विकारों के। वो विकार हैं जो आज हर मनुष्य के अंदर आ गए हैं, इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रावण का वास हर मनुष्य के दिल में है। काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 तो ये प्रसिद्ध हैं, लेकिन छठा विकार माना जाता है आलस, और फिर अलबेलापन, केयरलेसनेस, अपने कार्यों के प्रति भी केयरलेस रहना, अपने लक्ष्य के प्रति भी केयरलेस रहना, पढ़ाई के प्रति भी केयरलेस रहना, जिम्मेदारियों के प्रति भी केयरलेस रहना। और तीसरी जो बुराई है इन 5 के अलावा, पहला हुआ आलस यानी छठा, 7वां हुआ अलबेलापन, 8वां ईर्ष्या द्वेष, और 9वां नफरत, और 10वां हुआ वैर भाव। तो ये 10 मनोविकार सभी के अंदर हैं, तो ये रावण इन्हीं का प्रतीक है। तो वास्तव में यही रावण के 10 शीश हैं, ये 10 मनोविकार जो हर मनुष्य के अंदर हैं, इसलिए ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि रावण हरेक के मन में विराजमान। बिल्कुल, ये तो वही बात होगी प्रताप जी, एक जगह बहुत बड़ी रावण का बूत बनाया गया था और एक छोटे बच्चे को तीर धनुष दे दिया गया कि लो अब तुम्हें उस रावण पे चलाना है, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज सा हो गया। लोगों ने कहा कि बेटा चलाओ तीर, चलाओ रावण पे चलाओ, तो उस बच्चे ने कहा किस पे चलाऊं, इधर चारों तरफ तो मुझे रावण ही रावण दिखाई दे रहे हैं। तो शायद ये विकार ही हर एक के अंदर है, इसीलिए रावण की और बात। जब तक इनका दहन नहीं किया जाएगा, सच्चा रावण का दहन नहीं होगा, क्योंकि इसलिए ही आप देखेंगे दशहरा को, 10 हरा और विजयदशमी, ये दोनों जो शब्द हैं ये इसी चीज के सिंबल हैं कि 10 विकारों को हर लिया और विजयदशमी 10 विकारों पर विजय होगी। तो जब तक मनुष्य इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करेगा, तब तक रावण का अंत भी नहीं होगा। ठीक है त्योहार मनाना, खुशियां मनाना, इस संदर्भ में से राम को याद करना, सीता के प्रति बेचारी के रहम रखना, कि सीता का जीवन भी कैसा था, पहले रावण हर के ले गया, जंगलों में भटकती रही, फिर बेचारी को वनवास दे दिया, तो सीता तो जैसे भाग्यशाली थी ही नहीं, फिर वो धोबी के कहने पे भी उनको घर तो से निकाल, तो सब सीता को भी बड़ी दया भाव से देखते रहते हैं, राम का गुणगान करते रहते हैं और रावण को भी एक नफरत की नजर से देखते रहते हैं,
तो ये खुशियों का त्यौहार है, ये तो बहुत सुंदर बात है, परंतु इस त्यौहार की सार्थकता और इसको ठीक ढंग से मनाना तभी संभव होगा जब हर व्यक्ति अपने इन 10 मनोविकारों पर विजय प्राप्त करे। और कम से कम आज, जबकि ये दशहरे का त्योहार है, जबकि खुशियां मनाई जा रही हैं कि रावण को आज जला दिया जाएगा, अपने अंदर की भी किसी बुराई को अवश्य जला दें। जी जी, तो भ्राता जी, ये जो रखा हुआ है यज्ञ कुंड, तो वो रावण को जलाने के प्रतीक स्वरूप में ही रखा गया है ये? बस इसीलिए कि अंदर के किसी भी एक रावण को जरूर जला दिया जाए। जी जी, 10 तो हैं, पर एक विकार को भी जलाएंगे तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। हमारे सभी दर्शक भी यदि आज अपनी एक एक बुराई को इस यज्ञ कुंड में सुहा कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो भ्राता जी, ये शुभ काम मैं शुरू कर देता हूँ। पहले मैं अपने अंदर की जो एक विशेष मेरी जो बुराई है वो बता तो नहीं रहा हूँ, नहीं बताना नहीं। लेकिन मैं ये लिख करके परमात्मा की याद में मैं सोचता हूँ कि मैं पहले इस यज्ञ कुंड में डाल देता हूँ, ताकि हमारे दर्शक भी ऐसे ही अपने अंदर की बुराइयों का दहन करें। तो भ्राता जी, जो रावण दहन होगा वहाँ वो अपनी बुराइयां जाके ऐसे ही जला दे? अच्छा तो ये रहेगा कि आज सभी लोग कागज पेन लेकर जाएं, जब रावण को तीर लग जाए और उसके पेट में अग्निबाण लग जाए और वो धू धू करके जलने लगे, तो अपनी एक एक बुराई वो कागज में उसमें डाल दें और फाइनल कर दें कि आज ये बुराई जल गई, अभी हमारे पास वापस नहीं आएगी। ये सच्चा विजय होगा लगता है, और सच्चे अर्थों में दशहरा मनाना होगा, क्योंकि दिनों दिन तो ये रावण का स्वरूप बढ़ता ही चला जा रहा है, और कितना अच्छा होगा कि जल्दी से जल्दी रावण संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। प्रति जी, एक बात पे बहुत सारे लोगों का दो मत है। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो है केवल एक धार्मिक कथा है या आध्यात्मिक कथा है, और कुछ लोग मानते हैं कि ये एक ऐतिहासिक घटना थी। तो सत्य क्या है, ये धार्मिक कथा है या कुछ ऐतिहासिक घटना ऐसी कभी घटित हुई थी? इतिहास तो इस बात को स्वीकार नहीं करता, और सच्ची बात तो ये है कि हमारे पास इतिहास इतना पुराना है भी नहीं, मात्र 2500 वर्ष का है, और ये कथा बहुत पुरानी दिखाई गई। लेकिन भ्राता जी, राम सेतु अब भी रामेश्वरम की तरफ दिखाया जाता है, और हमारे लोग बहुत सारे जो हमारे सेंटर से लंका में खुले, वहाँ हमारे लोग भी गए, उन्होंने पूछा कि आपके इतिहास में भी कोई रावण जैसा राजा हुआ है क्या, तो वो भी कहते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी घटना जब हमारे पुराणों में भी है तो उसका कुछ ना कुछ स्वरूप तो घटा अवश्य होगा, भले ही समय के अंतराल में उसके अवशेष भी नहीं मिले और कुछ नहीं मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई ऐसा शासक वहाँ रहा हो, और त्रेता के अंत में जब देवताओं का पतन हो रहा था उसने ऐसा कुकृत्य कर दिया हो और उस पर इस तरह चढ़ाई करके अपनी पत्नी को कोई शासक वापिस लाया हो, ये सब संभव भी है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, विशेष करके जब हम इस पर्व को मनाते हैं तो बहुत सारे और प्रश्न मन में उठते हैं, जैसे रावण के साथ साथ कुंभकर्ण को, मेघनाथ को भी खड़ा किया जाता है, तो जैसे रावण के आपने अर्थ बताया 10 शीश के, क्या कुंभकर्ण और मेघनाथ भी ऐसी बुराइयों के प्रतीक है? देखिए, मेघनाथ तो आलस का प्रतीक है ही, और आलस भी मनुष्य का बहुत बड़ा विकार है, कई मनुष्यों में बहुत आलस रहता है। हमारे यहाँ जो आने वाले कुमार हैं, मैं उनको हंसी में कहा करता हूँ कि एक ड्रेस इकट्ठी हो गई, वो सोचते हैं अरे एक को क्या धोना, दो हो जाएंगी फिर धोएंगी, फिर दो इकट्ठी हो गई फिर सोचते हैं अरे हफ्ते के बाद ही धो लें, फिर हफ्ता संडे आ गया फिर सोचते हैं अरे ये तो 5-6 इकट्ठी हो, मतलब पूरे हो गया। जी जी, पूरे जुराब इकट्ठे, पूरे कपड़े इकट्ठे, क्या करें, परेशान हो रहे हैं। और जो मनुष्य अपना काम साथ साथ करता रहता है, वो चाहे अकेला ही हो, वो बहुत फ्री रहता है, और इससे मनुष्य एक्टिव भी रहता है। तो सुस्त महादेव किसी को नहीं बनना चाहिए, सुस्तों की तो बड़ी लंबी छोटी कहानियां हैं। तो ये जो आलस है जो मन से उत्पन्न होता है, ये भी एक बुराई है। तो रावण का भाई उसको दिखाया, इसलिए हमने भी आलस को लिया है 10 विकारों में, इसको भी हमें पूरी तरह समाप्त करना है। और मेघनाथ, जैसे मेघ गरजते हैं ऐसे वो भी गरजता, कई लोग बहुत गरजते हैं अपने मुख से, मुख से इतने गरजते हैं कि मेघनाथ को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो ये गरजना भी छोड़ देना होगा, चित्त को शांत करना होगा, अपने प्रेम में खुशी की सरिता बहानी होगी। रावण के 1,00,000 संतान थे वो युद्ध में मारे गए, 1,25,000 उनके नाती थे वो मारे गए, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि एक व्यक्ति की इतनी संतान कैसे हो सकते हैं। 1,00,000 और 1,25,000 की क्या बात, सभी करोड़ों करोड़ों मनुष्य और वो मनुष्य रावण के संतान बन गए हैं, जिसमें रावण प्रवेश है, जिसमें ये सभी मनोविकार हैं, समझो वो रावण के अधीन है या रावण की संतान है, और हमारा ये कर्तव्य है कि अब उन्हें मुक्त किया जाए।
राधा जी, जैसे अभी मैंने ये यज्ञ कुंड में डाल दिया, रावण को हम जलाते हैं, अपनी बुराइयों को हमने मान लीजिए जला दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत संकल्प करते हैं कि मैंने अपनी ये बुराई छोड़ दी, दान कर दी, दे दी परमात्मा को, लेकिन वो फिर वो बुराइयाँ मेरे पास आ जाती। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई आज से मैं बहुत एक्टिव रहूँगा, आलस को मैंने छोड़ दिया, लेकिन 2-4 दिन के बाद वो फिर से वो महोदय वापस आ जाते हैं, तो ये बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। मैं भी आपको यही कह रहा था कि आप डाल तो रहे हो पर ये कहीं कागज ही ना बन जाए, वापस आ जाए, इसलिए मुझे बता देना था कि मैंने क्या डाला लगता है। इसलिए रावण वध के साथ राम को जोड़ा गया है जी, और राम की स्मृति बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए वहां तो ये दिखाया राम का नाम लिखने से भी पत्थर तैरने लगे थे जी। और फिर हंसी की कहानी ये भी दिखाई कि राम ने सोचा मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो मैं तो ऐसे ही डाल दूंगा, वो तैर जाएंगे, चुपचाप रात को उठे और एक पत्थर फेंका वो तो डूब गया। तो इसलिए लोग भक्तों ने गीत बना दिए राम से बड़ा राम का नाम, पर जब हम उसको याद करते हैं तो हम में बहुत शक्तियां आ जाती हैं। और इसका रहस्य यही है कि मान लो राम का कोई स्मरण कर रहा है तो उसके और बहुत सारे जो व्यर्थ संकल्प हैं वो शांत हो जाते हैं और इससे उसकी मन की शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो हम सभी अब ऐसा करें कि बुद्धि योग निराकार परमात्मा जिसको राम भी कहा जाता है उससे लगाएं जी। तो उसकी शक्तियां हम में आ जाएंगी और तब इन बुराइयों को हम फाइनली भस्म करने में समर्थ होंगे, सफल हो जाएंगे जी, फिर ये वापिस नहीं आएगी। अगर योग की शक्ति हमारे पास नहीं है तो बार बार वो बुराइयां हमें घेरती रहेंगी और हमें लगेगा कितनी बार तो छोड़ दी, मान लो हर दशहरे पे छोड़ते जाएं, वो छोड़ते छोड़ते भी निराश हो जाते हैं, निराश हो जाएंगे जी, जी, जी। इसलिए योग युक्त होना इसके लिए परम आवश्यक है, उससे बल आएगा। योग एक अग्नि है, जैसे इस कुंड में अग्नि में बुराई जला दी जाती है वो तो अंदर फिर आ सकती है, लेकिन योग की अग्नि में जो बुराई जलाई जाएंगी वो दोबारा इमर्ज नहीं होंगी। प्रताप जी, जब आप राम की बात, आपने कहा कि परमात्मा को भी राम कहा जाता है, शास्त्रों में राम शब्द की कई बार व्याख्या आती है और अलग अलग अर्थों में आती है। जैसे एक चौपाई मुझे याद आ रही है, उसमें कहा गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सकल जग पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। तो कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये राम आखिर हैं कौन और कौन कौन से स्वरूपों में इनकी व्याख्या की जा रही है, तो इसे थोड़ा सा स्पष्ट करें। ये राम जो दशरथ के पुत्र थे, जो अयोध्या के पति बने बाद में, वो श्री राम जिनको लोगों वो एक हुए जिनकी आज हम उनका मान लिया, लेकिन जो सबसे न्यारा है वो तो निराकार परमात्मा है। दूसरा राम उन्होंने ये मान लिया जो घट घट में, यानी जो आत्माएं हैं जी। और लोगों ने ये भी सोच लिया वो सब जगह है तो इस रूप में भी मान लिया, लेकिन सबसे जो न्यारा राम है, सुप्रीम है जी, जो परमात्मा जिसको कहते हैं, उससे हमें बुद्धि योग लगाना होता है। तो मतलब उनकी याद से ही ये जो बुराइयां हैं ये छूट पाएंगी और रावण का हम संपूर्ण रूप से विनाश कर पाएंगे। प्रताप जी, आपके विचार से क्या लगता है, आज यदि हम चारों तरफ देखते हैं, चाहे भारतवर्ष है या सारा विश्व है, चारों तरफ ये रावण का ही स्वरूप दिखाई देता है, बुराइयां ही बुराइयां दिखती हैं, कितना वक्त लग जाएगा रावण को संपूर्ण रूप से नष्ट होने में और एक राम राज्य की स्थापना में? देखिए, हम ये संदेश सभी को बार बार दे ही रहे हैं कि परमात्मा इस धरा पर आकर अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं और उनके दिव्य कार्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य यही है कि हर मनुष्य आत्मा इस रावण के प्रभाव से मुक्त हो जाए। तो इसी के लिए वो राजयोग सिखाते हैं और ये कार्य तीव्र गति से चल रहा है। बहुत सारी मनुष्य आत्माएं रावण पर विजय प्राप्त कर चुकी हैं, उनका जीवन निर्मल बन गया है। अब कुछ मुख्य आत्माओं को ही शक्तिशाली बनना होता है। जब कुछ मुख्य आत्माएं शक्तिशाली बन जाती हैं तो फिर उनको फॉलो करने वाले लाखों करोड़ों लोग तेजी से आ जाते हैं। तो बस 10-15 साल और हमें इंतजार करनी है और ये रावण फाइनली समाप्त हो जाएगा, जो असली रावण है, और इस धरा पर रामराज्य की पुनर्स्थापना हो जाएगी। भारत में विशेष रूप से सुख शांति प्रेम की सरिता बहेगी, यहाँ के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ दूध घी की नदियां बहती थी, धन धान की भी संपन्नता और मनुष्य के चरित्र की भी संपन्नता। तो बस ये कार्य होने ही वाला है क्योंकि परमात्मा इस कार्य में तत्पर हैं। वो हम सभी को शक्ति देकर हमारे अंदर के इस रावण को समाप्त कर रहे हैं। तो हम सब तो सच्चा दशहरा मनाएंगे जी। सच्चा दशहरा ये तो हर वर्ष मनाने वाला, झूठा मैं इसको नहीं कहूंगा,
पर ये तो त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, प्रतीक है, प्रतीक है। पर सारे भारत में खुशहाली छा जाएगी जब रावण हर मन से समाप्त हो जाएगा। ऐसा दृढ़ संकल्प सब दर्शकों को आप दें जो हर एक हमारा दर्शक करे और जिससे कि राम राज्य की स्थापना भी सहज हो जाए और रावण का सर्वनाश हो। मैं थोड़ी सी ये अवेयरनेस सबको देना चाहता हूँ, आज के समय में सभी चिंतन करें जी। कि जैसे आज वो बहुत खुश हैं, हैं, घर का काम काज छोड़ कर भी रावण दहन देखने जा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, इस तरह सदा ही खुश रहेंगे। और यदि कोई मनुष्य दुखी है, यदि कोई मनुष्य परेशान है, यदि किसी मनुष्य के जीवन में अशांति है, तो वे समझ लें कि रावण का कोई ना कोई अंश उसके अंदर विद्यमान है, विराजमान है, उसको वो पहचाने और स्वयं को परिवर्तन करने का संकल्प करे। हो क्या रहा है कि मनुष्य दूसरे को बदलना चाह रहा है परिवारों में, वो उसकी दृष्टि स्वयं पर नहीं है। यदि उसकी दृष्टि स्वयं पर आ जाए और वो स्वयं की कमियों को रियलाइज कर ले और उनको नष्ट करने का दृढ़ संकल्प कर ले, तो बहुत जल्दी जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, इसमें शांति आ जाएगी, खुशी हो जाएगी और हम सफलता के मार्ग पे आगे चलेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आज के दिन अपने परिवारों में प्रेम और खुशी का साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपनी किसी कमी को, जो रावण का स्वरूप है, उसे यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दें या रावण दहन के साथ उसका भी दहन कर दें और अपने जीवन को खुशियों से भरपूर करें, तो सच्चे अर्थों में विजयदशमी मनाना सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल प्रथा जी, और जैसे पूरे देश में भी जब कभी हम देखते हैं, अपने समाज में आसपास देखते हैं, एक तो व्यक्तिगत बात रही कि मैं अपने अंदर के रावण को नष्ट करूं, या उनके लिए परिवर्तन के लिए भी मेरा कुछ प्रयास होना चाहिए। हम उनके परिवर्तन में भी कुछ योगदान दे सकते हैं जी। यों तो हर व्यक्ति को स्वयं ही चेंज करना होता है, दूसरे पर किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन हम अपने गुड वाइब्रेशंस देकर उनके अंदर एक प्रेरणा अवश्य पैदा कर सकते हैं कि वो अपने को चेंज करें। मान लो कोई व्यक्ति बहुत हिंसक वृत्ति का है, वो दूसरों को मारने में बड़ा सुख अनुभव करता है, हम जब उसे गुड वाइब्रेशंस देंगे, प्योर वाइब्रेशंस देंगे, तो उसको ये रियलाइज होने लगेगा कि ही इज रॉन्ग, और वो अपनी उस हिंसक वृत्ति को समाप्त करने का विचार करने लगेगा। तो हमारे वाइब्रेशंस के द्वारा दूसरों की पावर ऑफ रियलाइजेशन बहुत बढ़ जाती है, और ये काम भी हमें करना है। बिल्कुल, ये एक अच्छा तरीका होगा भ्राता जी, क्योंकि बोलने से तो शायद लोग ना भी माने, लेकिन एक तो मैं खुद बदल जाऊं, परिवर्तित हो जाऊं, और फिर अपने अच्छे वाइब्रेशन से उन्हें भी परिवर्तन की प्रेरणा दूं, जैसे एक दीपक जल करके अंधकार को दूर करने की कोशिश करता है। प्रताप जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, पूरे विश्व में व्याप्त है, यहाँ पे दशहरा किस रूप में मनाया जाता है? देखिए, यहाँ तो जो व्यक्ति पहले दिन आता है उसे विजयदशमी का लक्ष्य दे दिया जाता है कि इन 10 महावैरियों को तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। इसलिए हम लोग तो सच्चा दशहरा मना रहे हैं, ये रावण तो रोज जलाया जाता है, हम भी जला लेते हैं कहीं ना कहीं, हमारे सेंटर्स में भी बहने क्या करती हैं कि रावण बनाती हैं और उसमें यही काम करती, सभी अपना एक एक अवगुण जलाओ, या ऐसा यज्ञ कुंड भी बना दिया जाता है, रावण ही उसका बना दिया जाता है। अच्छा। वो जो सबके कागज आते हैं, पर्चियां आती हैं, बुराइयों की उसका ही रावण बना दिया जाता है। और कहीं कहीं तो बहनें ऐसी भी करती हैं कि वो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और बाहर वो चिपका देती है, आज भाई हम इस सबको जला रहे हैं। तो बहुत एक आनंद का माहौल होता है और हर एक व्यक्ति वहाँ से सुकून लेकर जाता है। जी जी जी, चलिए बहुत सुंदर लगा भ्राता जी, आपने रावण या फिर श्री राम या फिर रामायण में जो भी बातें कही गई हैं, क्या आध्यात्मिक भाव है, स्पष्ट किया है। हमारे सभी दर्शक भी इन आध्यात्मिक भावों को स्वीकार करते हुए, ग्रहण करते हुए आज के इस विजयदशमी को मनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। मित्रों, आज दशहरा का दिन है और हमारा देश त्योहारों का देश है, हर त्योहार कोई ना कोई आध्यात्मिक भाव खुद में लिया हुआ है, और दशहरा या विजयदशमी जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि ये विजय का प्रतीक दिवस है। तो हमारे अंदर भी आज जो हमारी विशेष जो चर्चा रही है, भ्राता जी ने जो स्पष्ट किया है, मुझे भी ये लगता है कि हमारे अपने ही अंदर राम और रावण दोनों ही हैं। राम अच्छाइयों का प्रतीक है और रावण बुराइयों का प्रतीक है,
यदि हम राम का पक्ष लेते हैं, राम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो अच्छाइयां हमारी जागृत होती हैं, और यदि रावण का ज्यादा ध्यान देते हैं तो शायद बुराइयां बहुत ज्यादा विकसित होने लगती हैं। आज के दिन यही हमें संकल्प करना है कि हमें अपने अंदर के रावण को नष्ट कर देना है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का गायन पूजन आज तक हो रहा है क्योंकि वो अच्छाइयों के प्रतीक थे। हम भी जब अच्छा कार्य करते हैं, आसपास बहुत नाम होता है, हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम, हमारे समाज का, हमारे देश का नाम होता है, और जहाँ कहीं हम बुराइयों का दामन थामते हैं वहाँ ही लोग हमें कोसने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं या रावण की तरह जलाने लगते हैं। अब हम में से हर एक पे ये निर्भर करता है कि हम राम बनना चाहते हैं या रावण बनना चाहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम में से हर एक ये चाहता है कि हम भी श्री राम के समान ही मर्यादा पुरुषोत्तम बने, समाज की सेवा करें, और जब हम इस संसार से जाएं तो लोग भी हमें बहुत आदर से याद करें। तो दशहरे को पूरे भाव के साथ, आध्यात्मिक भाव के साथ मनाएं और अपने जीवन को श्री रामचंद्र जी के समान श्रेष्ठ, पावन और आदर्श बनाएं। एक बार पुनः दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कटनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान। सारा ये जहान कहता है ये समाधान।